हेलो, मैं तो ऑलेक्स। वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास टॉपिक है कैपलर प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कैपलर प्रॉब्लम होता क्या है और इसमें मतलब इसका जो डेरिवेशन है एग्ज़ाम में किस तरीके से आता है। तो हमारे पास एग्ज़ाम में दो तरीके से आता है कि सीधा हमें बोल देते हैं कि कैपलर प्रॉब्लम लिखो फॉर लैग्रेंज इक्वेशन के लिए। ठीक है, दूसरा बोल देते हैं, ये वाला एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पे दे दिया जाता है और हमें इसका सॉल्यूशन बताना होता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कैपलर प्रॉब्लम है तो उसकी स्टेटमेंट मतलब आपको पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें लिखनी है, तब वो आपको लैग्रेंज इक्वेशन फाइंड करनी है। और डायरेक्ट आ जाए तो फिर इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं हमारे पास कैपलर प्रॉब्लम है क्या, फिर इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। जो कैपलर प्रॉब्लम है वो मेरे पास प्रॉब्लम है ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल, मतलब पार्टिकल के मोशन की प्रॉब्लम है, विच इज़ अट्रैक्टेड बाई एन इनवर्स स्क्वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स टॉवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास ये प्रॉब्लम जो है पार्टिकल के मोशन की प्रॉब्लम है, जो कि हमारे पास क्या होता है इनवर्स स्क्वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो होता है हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर अट्रैक्ट होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये चीज़ हमारे पास जो है कैपलर प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है कि मेरे पास ये पार्टिकल के मोशन से की एक प्रॉब्लम है, जो पार्टिकल है उसके मोशन की एक प्रॉब्लम है, जो कि हमारे पास इनवर्स स्क्वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो होता है हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर अट्रैक्ट होता है। इतना क्लियर हो गया। जो मेरे पास ये पार्टिकल के बारे में बात करें, ये पार्टिकल के मोशन की एक प्रॉब्लम है, जो पार्टिकल है वो मेरे पास जो पार्टिकल है वो क्या है इनवर्स स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर क्या होता है अट्रैक्ट होता है। इतना क्लियर बात समझ आई कि कैपलर प्रॉब्लम है क्या। कैपलर प्रॉब्लम जो है पार्टिकल के एक मोशन की प्रॉब्लम है और जो मेरे पास पार्टिकल है वो इनवर्स स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर क्या होता है अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो जो मेरे पास यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स इसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो यहाँ पे फोर्स होता है वो मेरे पास देखो इनवर्स स्क्वायर है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r², क्योंकि देखो यहाँ पे बोल दिया गया है इनवर्स फिर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके क्या होता है ये प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, बात समझ आई। तो यहाँ पे मेरे पास जो है एफ जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू 1/r². इतना के लिए तो ये तो हो गया हमारे पास, यहाँ से जो है ये हिंट निकल गया कि मेरे पास जो फोर्स होता है यहाँ पे वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है प्रोपोर्शनल टू 1/r². ठीक है, और मुझे ये भी पता चल गया कि यहाँ पे कैपलर प्रॉब्लम होती क्या है। कैपलर प्रॉब्लम एक पार्टिकल के मोशन की प्रॉब्लम होती है, जो पार्टिकल के बारे में बताया जाए पार्टिकल जो होता है वो मतलब इनवर्स स्क्वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर अट्रैक्ट होता है। इतना के लिए तो ये मेरे पास कैपलर प्रॉब्लम है। फिर एग्जाम में मेन चीज़ आती कैसे है, ड्राइव लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। मुझे लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर ड्राइव करना है, पर किसके लिए करना है वो भी तो देखेंगे। हमें लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करना है किसके लिए, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंडर। ठीक है, के अंडर टॉवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या द इनवर्स, इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। ड्राइव लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है टॉवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करो, ड्राइव करो, किसके लिए करना है वो देखते हैं। हमारे पास द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंडर एक टॉवर से फिक्स्ड एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर मूविंग करने वाले पार्टिकल के लिए। ये लैंग्वेज समझ आए क्या बोल रही हूँ मैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंडर एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर मूव करने वाले पार्टिकल के लिए लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे फाइंड करनी है। तो वही चीज़ तो यहाँ पे कैपलर प्रॉब्लम की ही तो आ रही है कि मेरे पास इस लॉ के अंडर, ठीक है, इतना समझ आ गया, एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर
मूव करने वाला मतलब अट्रैक्ट करने वाला मतलब मूव करने वाले पार्टिकल के लिए मेरे को लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है। वही चीज़ यहाँ पे है कि मेरे पास जो कैपलर प्रॉब्लम है वो पार्टिकल के मोशंस की प्रॉब्लम है, जो कि मेरे पास पार्टिकल क्या है इसके द्वारा एक फिक्स पॉइंट के और अट्रैक्ट होता है। और यहाँ पे भी यही है कि इसके अंडर एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर मूविंग करने वाले मतलब मूव करने वाले पार्टिकल के लिए फाइंड करना है। तो दोनों सेम होगी ना, सिमिलर, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट की ओर अट्रैक्ट, ठीक है, पार्टिकल का ही वो है, फिक्स्ड पॉइंट की ओर मूव करने वाले पार्टिकल के लिए, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट यहाँ पे एफ दे दिया मेरे को म्यू एम अपॉन आर स्केयर, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू होता है तो यहाँ पे ये साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने म्यू एम लिया हुआ है, ठीक है, इतना क्लियर। तो बाय चांस अगर आपको सिंपल सा ये आता है तो आप इजली कर लोगे। अगर आपको सिंपल ये आता है कि कैपलर प्रॉब्लम को समझाइए तो आप ये भी लिखो कि कैपलर प्रॉब्लम है क्या, और फिर हमें ये चीज़ लिखनी है कि किस तरीके से ड्राइव करना है। ओके, इतना क्लियर हो गया बेटा। अब आगे देखते हैं, हमें ये चीज़ समझ आ गई कि हमें क्या क्या गिवन है और कैपलर प्रॉब्लम होती क्या है। पार्टिकल के मोशन की एक प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पे पार्टिकल के मोशन की है, तो अब यहाँ पे हम क्या आता अपने एक डायग्राम यहाँ पे सेट करते हैं किस तरीके से। दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल ले लिया और यहाँ पे हम पोलर कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे। तो देखो टेक द फिक्स्ड पॉइंट ओ, मैंने एक पॉइंट फिक्स कर लिया ओ एज द ओरिजन, इसको हमने ओरिजन मान लिया, और ओ एक्स को मैंने मान लिया इनिशियल लाइन, ठीक है, ये मेरे पास एक ओरिजन हो गया, दिस इज इनिशियल लाइन। ओके, लेट द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजिशन ऑफ, एक मिनट बेटा, ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पे द रह गया, ठीक है, इसको करेक्ट कर, ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी बी आर थीटा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जब हम कैपलर प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो वो मुझे पता है पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड है, तो हमें पार्टिकल ही लेके चलना है। तो हमने क्या किया, एक ओरिजन ले लिया ओ, फिर हमने ओ एक्स एक इनिशियल लाइन ले ली, ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने पोलर कोऑर्डिनेट ले लिए, द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ द, जैसे कि हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं तो हम इस तरीके से लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स वाई में नहीं लेना, यहाँ पे हमने लेना पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो हमने एक पार्टिकल ले लिया किसी भी टाइम टी पे, तो उसकी पोलर कोऑर्डिनेट की पोजीशन ले ली, वो क्या हो गया हमारे पास, दिस आर और थीटा। बात समझ आई, कहने का मतलब क्या है, मेरे पास पी एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन की पोलर कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, आर थीटा, ये चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा है, ठीक है, बात समझ आई। मेरे पास पी कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, तो उसके पोजीशन के जो पोलर कोऑर्डिनेट है वो हमने ले लिया आर और थीटा। अब देखो यहाँ पे आर जो होगा मेरे पास, जो हम ये आर लेते हैं वो मेरे पास ओरिजिन से डिस्टेंस होती है इस पार्टिकल की, तो दिस इज आर, ठीक है, और जो थीटा होता है मेरे पास वो क्या होता है, इनिशियल लाइन से एंगल बनाता है, तो ये मेरे पास थीटा हो गया। तो ये चीज़ें तो बेसिक नॉलेज है कि जो आर होगा वो मेरे पास ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो होगी, और जो एंगल यहाँ पर थीटा जो ले रहे हैं वो हमारे पास इनिशियल लाइन से जो एंगल आता है वो लेंगे, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे एफ मेरे पास गिवन है, इतना हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो लैग्रेंज इक्वेशन फाइंड करनी है, तो लैग्रेंज इक्वेशन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और साथ में फिर हमें एल लैग्रेंजियन फंक्शन निकालेंगे, फिर हम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तब जाके हमारे पास ये लैग्रेंज इक्वेशन आएगी। तो सबसे पहला हम काम करते हैं यहाँ पे हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, मेरे पास ये इस तरीके से है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो मैं कहीं पे भी कोई भी पार्टिकल ले लूँ तो मैं उस पार्टिकल के पोलर कोऑर्डिनेट ये लेके चल रही हूँ, तो इस पार्टिकल को बताने के लिए मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कितने चाहिए, ये दोनों, इस पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए मेरे को, देखो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या होती है, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट
टू डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डायनेमिकल सिस्टम। तो किसी भी डायनेमिकल सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, तो इस पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट क्यों होंगे, आर थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे वो मेरे पास क्या होंगे, आर और थीटा। अब जब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आर और थीटा होंगे तो मेरे पास लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, डी अपॉन डी टी कल एल अपॉन कल क्यू आई डॉट माइनस कल एल अपॉन कल क्यू आई इक्वल टू जीरो। अब मेरे पास अब तक जितने मैंने एग्जांपल किए उनमें मेरे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक आ रहा था, पर यहाँ पे दो है, तो इसका मतलब मेरे पास क्यू आई की वैल्यू एक बार आर है एक बार थीटा है, मतलब क्यू वन मेरे पास आर है और क्यू थीटा है। तो ये दोनों जब दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है तो ये दोनों के लिए होगी, तो मेरे पास एक के लिए आर के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, कल एल अपॉन कल आर डॉट माइनस के कल एल अपॉन कल आर इक्वल टू जीरो, इतना क्लियर हो गया। और सेकंड थीटा के लिए क्या बनेगी, कल एल अपॉन कल थीटा डॉट माइनस के कल एल अपॉन कल थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार क्यू आई की जगह मैंने आर रखा और एक बार थीटा रखा, यहाँ पे एक बार आर रखा एक बार थीटा रखा, आर और थीटा। तो मेरे पास यहाँ पे दो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन बनेंगी, ठीक है, ऑन द बेस जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए। अब मेरे को ये चीज़ वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो इसके लिए मेरे को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए जिन चीज़ों की नीड है पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या है, ये डायग्राम बन गया, ये वाला एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे पार्टिकल है, ये मेरे पास ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस होगी, एंगल थीटा हो गया। मैंने इसको यहाँ पे करा दिया, दिस इज द 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ, मैंने बात की यहाँ पे साइन थीटा की बात करती हूँ, तो मेरे पास अगर साइन थीटा इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के लिए ये जो एंगल है इस एंगल के लिए बेस का काम ये करेगा, परपेंडिकुलर का काम ये करेगा और हाइपोटेनियस के लिए काम ये करेगा। तो मेरे पास साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मेरे पास यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो मेरे पास वाई है और हाइपोटेनियस जो है वो मेरे पास आर है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर साइन थीटा। तो मेरे पास वाई की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा। बात समझ आई किस तरीके से आया। सिमिलर अगर मैं कोस थीटा की बात करूं तो वो मुझे पता है वो होता है मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो मेरे पास बेस यहाँ पे एक्स है, हाइपोटेनियस आर है, तो मेरे पास कोस थीटा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी आर कोस थीटा। इतना क्लियर, दोनों चीज़ें कैसे आए इस डायग्राम से, ठीक है। ये तो छोटी क्लासेस में हम राइट एंगल ट्रायंगल में करते थे ना, इस एंगल की बात करेंगे तो ये बेस बनेगा, जिस एंगल की बात करते हैं उसके पास वाला बेस बनता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, तो ये हमने निकाल लिया। अब आगे देखते हैं, अब मुझे तो क्या फाइंड करना है, यहाँ से एल माइनस के टी माइनस के वी। अब देखो यहाँ पे वी यूज होगा क्योंकि जब हमारे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है तो हम एल माइनस के एल इक्वल टू टी माइनस के यू करते हैं, यहाँ पे यू लेते हैं। पर जब मेरे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड करता है तो वहाँ पे वी आ जाता है, तो यहाँ पे जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे वी आएगा इस केस में, ठीक है। इतना क्लियर, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को हम डोनेट करेंगे वी से, क्लियर बेटा। जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड करता है जब तो ये आता है, नहीं करता तो यू आता है। जनरलाइज्ड वेलोसिटी नहीं लिखा मैंने, वेलोसिटी जनरलाइज्ड वेलोसिटी से रिलेटेड होता है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी से, ठीक है। डिपेंड है तो ये, नहीं है तो वो। अब देखो मेरे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि मेरे पास क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी होता है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से, ओके क्लियर बेटा। अब मेरे पास यहाँ से इसका अगर स्केयर निकालना हो तो वो मैं कैसे निकालती हूँ, इस तरीके से,
ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आर जो होता है, मेरे पास यहाँ पे वही है एक्स और वाई उसमें है, तो यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप। अगर मैं यहाँ पे इसका डी अपॉन डी टी करूँ तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, और सिमिलरली इसको इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इसको डी एक्स अपॉन, यहाँ पे इसका मतलब है डी एक्स अपॉन डी टी, और यहाँ पे इसका मतलब है डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ दिस, प्लस वाई दिस, और यहाँ पर डॉट एक्स डॉट आई कैप प्लस के वाई डॉट जे कैप, तो मेरे पास जब डॉट प्रोडक्ट करती हूँ सेम का सेम के साथ, तो आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये निकल जाएगा सिमिलरली यहाँ से, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने ये रख दी। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और हर एग्जाम्पल में मैक्सिमम यही चीज़ यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरा, एक्स बराबर मेरे पास क्या निकला है, यहाँ से एक्स बराबर क्या निकला है, आर कॉस थीटा। तो मेरे पास एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो मेरे पास तो मुझे तो डी एक्स अपॉन डी टी चाहिए, बात समझ आ रही है, मुझे तो डी एक्स अपॉन डी टी चाहिए, यही तो होता है डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो मैं यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी करूँगी। अब जब मैंने यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी करा, अब देखो मेरे पास यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट है आर और थीटा, दोनों के दोनों जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, इस चीज़ का ध्यान रखना, सिर्फ थीटा के रेस्पेक्ट में नहीं होगा। तो मतलब मैं अगर इसका डी अपॉन डी टी करूँगी तो मेरे पास आर भी होगा और थीटा भी होगा, क्योंकि यहाँ पे दो मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है वो दो हैं। तो जब मैं इसका डी एक्स अपॉन डी टी करूँगी तो यहाँ पे इसको फर्स्ट और बस सेकेंड मान के चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का करेंगे, कोस थीटा का क्या होता है माइनस के साइन थीटा, माइनस साइन यहाँ पे है, ठीक है, और साइन थीटा, और थीटा का डी थीटा अपॉन डी टी, तो थीटा डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं प्लस। फिर हमारे पास ये एज इट इज सेकेंड, एज इट इज फर्स्ट का कर देंगे, तो फर्स्ट का मेरे पास क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, जिसको हम डिनोट कर देंगे डॉट से, आर डॉट से, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब है डी थीटा अपॉन डी टी, क्लियर हो गया ना, ठीक है, किस तरीके से किया है। ओके, तो मेरे पास ये निकल के आ गया। अब फिर वाई बराबर क्या होता है आर साइन थीटा, तो जब मैं इसका करूँगी डी डी वाई अपॉन डी टी, इसमें भी तो करूँगी डी वाई अपॉन डी टी, तो यहाँ पे भी हम फर्स्ट और सेकेंड मान के चलेंगे, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड, तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का करूँगी, साइन थीटा का क्या होता है कोस थीटा, और थीटा का डी डी थीटा अपॉन डी टी, जिसको मैं लिख दूंगी यहाँ पे थीटा डॉट प्लस। फिर साइन थीटा एज इट इज इसका करूंगी, तो डी आर अपॉन डी टी को क्या लिख देंगे आर आर डॉट। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे आर और थीटा दोनों के लिए क्यों किया, इसलिए किया बेटा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन से हैं, दो आर और थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के लिए होगा। इतना क्लियर। तो मेरे पास यहाँ से ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ, तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट करूँगी तो 1/2 m एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे क्या x डॉट इसका स्केयर है, इसका स्केयर है, तो मतलब इसका स्केयर है। अब मुझे पता है जब स्केयर ओपन करते हैं तो पहले इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर, अब यहाँ पे माइनस साइन है तो मतलब माइनस साइन, फिर इस दोनों की मल्टीप्लाई करो और 2 से कर दो, तो 2 फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो आर आर डॉट थीटा डॉट, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, आ गया बात समझ, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए माइनस बी की आइडेंटिटी जो होती है, फॉर्मूला जो होता है वो ओपन कर दिया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस के 2ab से। सिमिलरली वाई डॉट की बात आ रही है, यहाँ पे प्लस वाले से हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे इसका स्केयर कर दिया प्लस इसका स्केयर प्लस के 2, क्योंकि प्लस साइन है, फिर 2 r r डॉट थीटा डॉट साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा 2 r r डॉट थीटा डॉट साइन थीटा कोस थीटा, ये जो है मेरे पास ये सेम है इसके जैसा, और अपोजिट साइन है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे रिमेनिंग बचा दिस और दिस, तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो बेटा मेरे पास आर स्केयर और थीटा डॉट स्केयर, इसमें से और इसमें से आर स्केयर ले लिया, थीटा डॉट स्केयर ले लिया, तो मेरे पास अंदर बचता है यहाँ पे साइन स्केयर थीटा प्लस के कॉस स्केयर थीटा, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होती है 1, तो मेरे पास रिमेनिंग बचा दिस, बात समझ आई। सेकेंड टर्म जो हमारे पास बच रही है वो बच रही है दिस,
और यहाँ से, तो यहाँ से मेरे पास आर डॉट स्क्वेयर कॉमन, ठीक है, अंदर बचा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस के साइन स्क्वेयर थीटा, फिर इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है 1, तो मेरे पास रिमेनिंग बचा ये। तो कैसे आ गया ये चीज़ समझ आ गई, तो मेरे पास यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ गई दिस, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या होता है यहाँ पे वी इक्वल टू दिस, कैसे, तो मेरे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है मेरे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। पर मुझे क्या चाहिए, टोटल, टोटल चाहिए, तो टोटल के लिए मेरे पास जो डायग्राम है वो देखो यहाँ पे, टोटल देखो मैंने सिर्फ निकाले फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो मुझे तो टोटल चाहिए, तो टोटल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से लेके मेरे पास आर तक, क्योंकि मेरे पास क्या है डी आर है वहाँ पे, तो टोटल कहाँ से जाएगा, आर की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे जीरो है, ठीक है, और लास्ट में मेरे पास यहाँ तक पार्टिकल तक क्या है आर। बात समझ आ गई कैसे आया जीरो से लेके आर तक, ठीक है, टोटल के लिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई मेरे पास ये, ठीक है, एफ की वैल्यू मेरे पास ये है, रख दी वैल्यू। अब देखो यहाँ पे आ गए म्यू एम बाहर ले लिया, अब इसका आर स्केयर का, अगर 1/r² का अगर मैं करती हूँ इंटीग्रेशन, तो मेरे पास आर की पावर -2+k1 अपॉन -k2+k1 0 to r, तो यहाँ पे रखेंगे मेरे पास माइनस के म्यू एम अपॉन आर आ जाएगा, तो दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन एनर्जी इसकी -1 है, तो अपॉन में चला जाएगा 1/r हो जाएगा, तो माइनस आगे म्यू एम अपॉन आर, तो दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि हमें फोर्स गिवन है यहाँ पे, तो हम यूज़ करेंगे ये वाला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टोटल चाहिए आर की वैल्यू 0 से लेके r तक, ठीक है, इतना क्लियर। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, देखो मैं वही चीज़ बोल रही थी कि यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी वी से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है फोर्स है, तो वही चीज़ आ रही है कि यहाँ पे जनरलाइज्ड जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे है डिपेंड कर रहे हैं, तो जहाँ पे जनरलाइज्ड वेलोसिटी होगी वहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वी से डिनोट कर देंगे, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ठीक है। अब लैग्रेंजियन फंक्शन मेरे पास इस केस में क्या होगा, एल इक्वल टू टी माइनस के वी, मतलब काइनेटिक एनर्जी माइनस के पोटेंशियल एनर्जी, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है ये है, और माइनस के दिस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये चीज़ आ गई। अब मेरे को तो लैग्रेंजियन फंक्शन तो पता चल गया, अब मेरे को तो फाइंड करनी है क्या, एक मिनट, मेरे को फाइंड करना है बेटा ये, मेरे को फाइंड करना है दिस और दिस, दिस और दिस, तो एल का मैं पहले एक बार पार्शियल डेरिवेटिव करूँगी आर डॉट के रिस्पेक्ट में, एक बार थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में, आर के और थीटा के, ठीक है, इन चारों को कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे वो चीज़ की, तो आर डॉट के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो देखो यहाँ पे बेटा अगर आप देखते हो तो आर डॉट मेरे पास यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे भी नहीं, सिर्फ यहाँ पे है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1/2 m r डॉट स्केयर, तो जब मैं इसका करूँगी तो 1/2 और इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूँ तो 2 r डॉट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल mr डॉट, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब थीटा डॉट की निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे थीटा डॉट ये हटा देती हूँ, अब यहाँ पे अगर थीटा डॉट की हम बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे थीटा डॉट नहीं है, इस वाले केस में मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे भी नहीं, सिर्फ यहाँ पे, तो 1/2 m r² थीटा डॉट स्केयर, ठीक है, मेरे पास ये चीज़ है, इतना क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे जब मैं इसको करूँगी कल एल अपॉन कल थीटा डॉट करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2 m r² एज इट इज 2 थीटा डॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा mr² θ डॉट, ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई। अब करूँगी मैं यहाँ पे एल के रिस सॉरी आर के रिस्पेक्ट में, अब आर के रिस्पेक्ट में करेंगे वो चीज़ देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। अब आर देखो मेरे पास यहाँ पे भी है आर, यहाँ नहीं है बट यहाँ है, मेरे पास ये टर्म आ रही है आर वाली, m θ डॉट स्केयर r² एक तो ये है और एक मेरे पास ये है, तो जब मैं इसको इसके रिस्पेक्ट में करूँगा तो 1/2 m θ डॉट स्केयर ऐसे, और इसका r² का क्या हो जाएगा 2 r, ये चीज़ आ गई।
फिर इसका क्या हो जाएगा, प्लस के म्यू एम एज इट इज, और इसका 1/r का जब मैं करूँगी तो माइनस के 1/r² हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ आ गई। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, मेरे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो एम थीटा डॉट स्केयर आर और दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे हम थीटा के रिस्पेक्ट में। अब देखो थीटा ना तो मेरे पास यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 0। थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे जब आएगा मेरे पास 0। तो मैंने चारों टर्म्स निकाल ली यहाँ पे, तो मेरे पास अब ये चारों टर्म्स क्या रख दूंगी, इक्वेशंस में रख दूंगी, जो मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दूंगी। तो यहाँ पे इसकी जगह और इसकी जगह, इतना क्लियर, ठीक है। इसकी जगह और इसकी जगह वैल्यू जो पुट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, डी अपॉन डी टी, इसकी जगह रख दी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, ये पूरी है, तो माइनस साइन है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 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 प्लस इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लो, एम बाहर, अब इसका मैं करूँगी, मेरे पास क्या है, डी अपॉन डी टी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये, इतना क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो वो चीज़ आ गई, फिर ये चीज़ एज इट इज़। फिर यहाँ से क्या किया इन्होंने, एम कॉमन ले लिया, एम कॉमन लिया तो आर डबल डॉट माइनस के आर थीटा डॉट स्केयर, और ये प्लस में इधर जाके माइनस में, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई आर को लेके, जो मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट 2 है ना, तो आर को लेके, तो ये चीज़ आ गई। अब देखते हैं थीटा को लेके क्या आता है। तो थीटा की मेरे पास एक वैल्यू है ये वाली, दूसरी मेरे पास 0 है, तो डी अपॉन डी टी यहाँ पर रख दी उसकी वैल्यू, और ये 0 इक्वल टू दिस, और दिस इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये कैसे आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो क्या, किस तरीके से, डी एम, एक मिनट बेटा, डी एम आर स्केयर थीटा डॉट, ठीक है, रखा इधर 0 डी टी, जब इंटीग्रेशन करूँगी तो मेरे पास एम आर स्केयर थीटा डॉट हो जाएगा, और यहाँ पे 0 प्लस के सी, मतलब कोई भी कांस्टेंट, तो एम आर स्केयर थीटा डॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये आ गया। ये मेरे पास आर के लिए है, ये मेरे पास थीटा के लिए, तो दोनों जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए मेरे पास लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सी चीज़ जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको देखना है, वहाँ पे क्या गिवन है, फिर हमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैपलर प्रॉब्लम है वो हमारे पास पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। और जो मेरे पास पार्टिकल है वो इनवर्स स्क्वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, मतलब बाई मतलब द्वारा हो गया ना, तो वो क्या होता है, के द्वारा हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर अट्रैक्ट होता है। ये तो हो गया हमारे पास कैपलर प्रॉब्लम, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बोल दी गई कि हमारे पास लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करो, किसके लिए फाइंड करनी, जो इनवर्स द इनवर्स स्क्वेयर ऑफ अट्रैक्शन, इसके इस लॉ के अंडर, ठीक है, मेरे पास एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर मूव करने वाले पार्टिकल के लिए, ठीक है, इस तरीके से लैंग्वेज पढ़नी है कि इस लॉ के अंडर एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर मूव करने वाले पार्टिकल के लिए मेरे को ये फाइंड करनी है। और एक फिक्स मतलब इस लॉ के अंडर एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर मूव करने वाले पार्टिकल के लिए फाइंड करनी, तो मतलब वो क्या, ये कैपलर प्रॉब्लम होगी, ठीक है, यही तो है कैपलर प्रॉब्लम, ठीक है। तो किस तरीके से फाइंड करना, वो चीज़ आपने देख लिया। यहाँ पे हमने पोलर कोऑर्डिनेट लिए, आइस मतलब किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को दिखाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जो हो चाहिए हमें वो आर और थीटा चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे जनरल लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे 2 बनी थी, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।